हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है म्यूट टेक्निकल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम क्रेडिट लोन ऐप की। इस लोन ऐप से मैंने भी लिया था पिछले साल 95,000 का लोन सितंबर में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लोन से संबंधित जो भी जानकारी मैं देता रहूँ वो आपके साथ शेयर होती रहे। तो दोस्तों, होम क्रेडिट की बात करते हैं। दोस्तों, होम क्रेडिट का जो है रिपेमेंट, मैं शुरुआत के 3 साल मैं कर पाया हूँ रिपेमेंट। उसके बाद जनवरी के बाद से मैं इसका पेमेंट 3 महीने हो गए हैं नहीं कर पाया हूँ, और आगे भी अभी उम्मीद नहीं है कि हाँ मैं इसका रिपेमेंट कर पाऊँगा। हाँ, लेकिन आगे कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना शुरू कर दूँ। और रही रिकवरी एजेंट की बात, तो दोस्तों अभी तक कोई नहीं आया है। मेन है ये इनकी लोकेशन, आपकी लोकेशन कहाँ है, अगर इनके ऑफिस वहाँ पर हैं, महानगर में आप हैं, तो ये इनके रिकवरी एजेंट आपके पास पहुँच जाएंगे। या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो, 2 लाख से ऊपर हो, तब संभावना होती है रिकवरी एजेंट आपके पास पहुँच जाएंगे। फिलहाल वो बातें बाद में। दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ मेरा 3 महीने का जो ड्यू है। बाकी कॉल के मामले में, कस्टमर केयर की कॉल तो दिन भर में 40 से 50 कॉल आती हैं, उसका भी समाधान मैंने वीडियो डाल रखा है। अननोन नंबर ब्लॉक करके आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर है, मेरी EMI ड्यू है और मैं रिपेमेंट इसका नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ भी छुपाना नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, आप देख लीजिए 3 महीने जमा किए, इसके बाद की मेरी बाकी है जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी जमा है, इसके बाद की हमारी ड्यू है सब। तो देखकर शायद अगर आपका चल रहा हो यहाँ से, तो आपको भी हिम्मत थोड़ी आएगी। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल टेंशनाइज मत होइएगा, और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने इनकम को जनरेट कीजिए, बढ़ाइए। अगर नहीं है तो काम की तलाश कीजिए और फिर धीरे धीरे करके इनका पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि लिया है तो करना तो है ही है सबका। पर उसके लिए अपने आप को परेशान बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।